रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध तेज हो गया है। शिव परिवार हरचंदपुर के नेतृत्व में मंदिर के निकट उनका पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस में सूत्रों का अपमान किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसी पुस्तकों से इन दोहों चौपाइयों को हटाना चाहिए या फिर उन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए। शिव परिवार हरचंदपुर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। पिछले दिनों एक राजनीतिक पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका वक्तव्य सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के एक बहुत समृद्ध ग्रंथ, सामाजिक सूत्र जिसको कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, श्री रामचरितमानस के ऊपर एक टिप्पणी की गई, बेहद निंदनीय शब्दों में उसको तोड़ मरोड़ कर समाज में विघटन पैदा करने के लिए वो टिप्पणी की गई। हमारा हिंदू समाज जागृत होकर उसने इस टिप्पणी के विरोध में स्वामी प्रसाद मौर्य की घोर निंदा करी और उनके ऐसे वक्तव्यों से भगवान से प्रार्थना करी कि उनको सद्बुद्धि दे, चूँकि हमारा हिंदू धर्म कभी भी सर तन से जुदा करने की क्रिया पर विश्वास नहीं करता। हमारा हिंदू धर्म सर्व धर्म सद्भाव की भावना रखता है। हमारा हिंदू धर्म सर्वे भवन्तु सुखिना पर विश्वास करता है। इसलिए हम सब लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना करी कि उनको सद्बुद्धि दे एवं उनको सन्मार्ग पर लाए। वो हिंदू हैं और हिंदू के धार्मिक ग्रंथ पर इतना विघटनकारी वक्तव्य दे रहे हैं, अगर उन्हें कहीं हिंदू की सनातन की ऐसी व्यवस्था में कहीं से भी उन्हें खोट नज़र आता है, कहीं से भी उन्हें अगर कमजोरी नज़र आती है, तो उनको उस धर्म या धर्म ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए एवं उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए, ये हम अपेक्षा रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmtnewsflash।